हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, फाइनाइट वर्ब हम उसे कहते हैं जो इस बात को बताए कि वाक्य में किस टेंस का है। ओके, यानी वर्ब के उस फॉर्म को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं जिससे ये हमें पता चले कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। ओके, तो आइए इसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें हम सेंटेंस फर्स्ट को लेते हैं। पहला सेंटेंस को अगर हम देखें तो आई गो, इसमें वर्ब है, क्योंकि मुझे वर्ब का ही स्टडी करना है। तो इस वर्ब से मुझे पता चल जा रहा है कि ये किस टेंस का है, और हम पता कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट का है और इनडिफिनिट का है, यानी प्रेजेंट टेंस का है। इससे मुझे पता चल जा रहा है, इसलिए इस वाक्य में जो आपका गो है ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक, इसी तरह से हम सेकंड सेंटेंस में आते हैं। बच्चों, ये सेकंड सेंटेंस आप देखिए, इस सेकंड सेंटेंस में गोज, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, ही गोज। इससे दो चीज़ें हमें पता चलती हैं। एक तो मुझे ये पता चलता है कि इस वाक्य में यूज किया गया आपका जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नंबर क्या है। ओके, और दूसरा मुझे टेंस का इससे पता चल जाता है। यानी जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वह इस बात को बताती है कि वाक्य में प्रयुक्त किया गया सब्जेक्ट किस नंबर का है और दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। ओके, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस का है, गोज से हमें पता चलता है, इसलिए इस वाक्य में यूज किया गया आपका गोज फाइनाइट वर्ब है। ओके, आइए बच्चों हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। ये थर्ड सेंटेंस में ही वेंट, यानी वह गया। अब इस सेंटेंस को देखें तो मुझे अपना ध्यान वर्ब पर कंसंट्रेट करना है, और वर्ब को जब मैंने देखा तो वर्ब से मुझे पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस का है, और इसलिए ये वाक्य में यूज किया गया वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब है। ओके बच्चों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सेंटेंस फोर को लेते हैं। बच्चों, ये देखिए सेंटेंस फोर है जिसमें ही विल गो, वह जाएगा, तो ये आपका फ्यूचर टेंस का है। तो बच्चों, इसमें हम दो प्रकार की क्रियाएं पाते हैं, और एक तो विल है और दूसरा गो है। तो गो आपका मेन वर्ब है और विल आपकी ऑग्ज़ीलियरी वर्ब है। तो मुझे टेंस का ज्ञान ऑग्ज़ीलियरी वर्ब से होता है, गो से हमें यह नहीं पता चल पाता है कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। ओके, इसलिए इस वाक्य में विल आपका फाइनाइट वर्ब है। ओके, और गो भी आपका वर्ब है। ओके, तो फिर ये गो क्या है इस सेंटेंस में? गो बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इससे टेंस का ज्ञान नहीं होता कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। ओके, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चों, आई एम गोइंग, इस सेंटेंस को देखें बच्चों, तो आप पता करें ये किस टेंस का है। तो आप पता करेंगे कि ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो किस कॉन्टिन्यूस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। तो आपने कैसे पता किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है? क्योंकि इसमें आई एम लगा हुआ है। वाज लगा होता तो पास्ट हो जाता, बिल भी या सेल भी लगा होता तो फ्यूचर हो गया होता। यानी तो आई एम से ही पता चलता है कि ये आपका सेंटेंस किस टेंस का है। तो इसमें बच्चों जो आई एम है आपका, यही आपका एफ वी यानी फाइनाइट वर्ब है। ओके बच्चों, तो फिर ये गोइंग क्या है? तो बच्चों गोइंग भी वर्ब है इसमें, लेकिन ये सेंटेंस के टेंस को नहीं बताता, इसलिए ये आपका जो गोइंग इसमें है ये गोइंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके बच्चों, आइए हम फिफ्थ के बाद सिक्स सेंटेंस देखते हैं। बच्चों, छठवां सेंटेंस देखिए, ही कुकड फूड, और इसी के साथ साथ में सातवां सेंटेंस भी आप देख लें। बच्चों, ही कुकड फूड और सी हैज कुकड फूड, दोनों सेंटेंसेस को हम देखते हैं, फिर हम पता करेंगे कि ये किस टेंस का है। तो टेंस का हम पता कैसे करेंगे? मुझे वर्ब पर जाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप वर्ब देखिए, तो सिक्स सेंटेंस में कुकड वर्ब है, और जबकि सेवन्थ सेंटेंस में हैज़ और कुकड दोनों वर्ब है।
तो यहाँ पर जो कुक्ड यूज किया गया है इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं की गई है। ओके बच्चों, और ये कुक्ड आपका एमबी सेकेंड है और इसी से मुझे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस का है, इसलिए बच्चों कुक्ड आपका फाइनाइट वर्ब है। ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस बच्चों इसमें देखिए, इससे पता आप करें कि किस टेंस का है, तो आप पाते हैं कि ये परफेक्ट टेंस का है। और किस परफेक्ट का है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट का पता मुझे चलता है हैज से, इसलिए बच्चों आपका हैज ये फाइनाइट वर्ब है। और कुक्ड फिर क्या हुआ बच्चों? कुक्ड ये आपका एमबी थर्ड है और बच्चों ये इस बात को नहीं बता सकता कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है, इसलिए यह वाक में नॉन फाइनाइट वर्ब का कार्य करता है। ओके बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हम अच्छी तरह से ये समझ सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। आप शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखिए, बीच में इसकी मत करिएगा। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर कोई सेंटेंस दिया है, ओके, और उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दी हुई है, ओके बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब दी गई है, तो यह ऑक्सिलरी वर्ब ही आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। क्यों? क्योंकि इसी ऑक्सिलरी वर्ब से मुझे वाक्य के टेंस और उसमें यूज किया गया सब्जेक्ट का नंबर क्या है इसका पता चलता है। ओके, और क्रिया के वह फॉर्म्स जिनसे मुझे टेंस का पता नहीं चलता कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है, वह बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से जो क्रिया के चार रूप हैं उसमें बच्चों आपका जो प्रेजेंट फॉर्म है, ओके, और सेकंड फॉर्म है, यदि इसके साथ में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगी है, यानी इसमें एसपीबी यानी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो ये होंगी फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन बच्चों जो आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी एमबी थर्ड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी फॉर्म, ये दो इन दोनों के साथ में हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन ये जो आपकी एमबी थर्ड और आईएनजी फॉर्म है यह सदैव और सदैव नॉन फाइनाइट वर्ब में ही होती है। ओके बच्चों, बच्चों ये जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है यह तीन प्रकार का होता है, जिसमें बच्चों आप पढ़ेंगे जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। ओके बच्चों, तो क्रिया का वह रूप जिससे हमें वाक्य के टेंस का पता नहीं चलता है, वह वाक्य में केवल तीन तरह का कार्य कर सकता है, या तो जीरंड का कार्य करेगा, या पार्टिसिपल का कार्य करेगा, या इन्फिनिटिव का कार्य करेगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का जो फंडा है क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।